तो इस वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स लेकर आया हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे थे वैनम द लास्ट डांस से, तो इसका जो बॉक्स ऑफिस है उसके बारे में बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड इस वाली मूवी ने 175 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर लिया है। याद रहे इस वाली मूवी का जो बजट है वो 120 मिलियन डॉलर है, और जो डोमेस्टिक रही है पूरी ट्रोलॉजी में वैनम द लास्ट डांस का सबसे लोवेस्ट ओपनिंग बिजनेस किया है वैनम की इस वाली मूवी ने इसकी पूरी ट्रोलॉजी में। मगर सिर्फ वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो ये वाली मूवी ठीक ठाक सही जा रही है 175 मिलियन डॉलर के साथ। अगली अपडेट पर आ जाए तो ये एगाथा ऑल अलोन के एपिसोड नंबर 7 पे आ रही है, जिसका हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो जो ये वाला एपिसोड है इसको IMDb में रेटिंग मिली है 9.2 की, और ये सेकंड हाईएस्ट रेटेड जो है एपिसोड बन चुका है। और पहले पे कौन सा है आप लोगों को खुद पता लग गया होगा, लोकी सीजन 2 का जो हमें फिनाले देखने को मिला है वो IMDb में सबसे हाईएस्ट रेटेड अभी तक एपिसोड है। ये मार्वल स्टूडियोज़ की सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, जो इसका एपिसोड नंबर 7 था इसको इसके स्ट्रीम जो ही ये स्ट्रीम हुआ इसके पहले 24 घंटे में इसको 4.2 मिलियन व्यूवर्स ने देखा था, जो कि 35% हायर है इसका जो हमें एपिसोड नंबर 1 देखने को मिला था। और अगर मैं बात करता हूँ इसको एपिसोड नंबर 7 अच्छा भी लगा था, और लगता है क्रिटिक्स को भी ये वाला एपिसोड पसंद आ गया है। बाय द वे परसों यानी कि थर्सडे को इसके दोनों फिनाले यानी कि एपिसोड नंबर 8 और एपिसोड नंबर 9 एक साथ देखने को मिलने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसका ब्रेकडाउन भी लाऊंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, इसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा। अगली अपडेट पर आ जाते हैं तो ये स्पाइडरमैन से जुड़ी है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल स्टूडियोज़ में इस टाइम एक स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज़ की बात चल रही है, उसको डिस्कस किया जा रहा है कि हमें कैसे एक स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। अगली अपडेट की तरफ आए तो ये निकल कर आ रही है ग्वेनिथ पेट्रो से। आप लोगों को पता होगा कि ये कैसे पेपर पोट्स का कैरेक्टर प्ले करती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि मार्वल स्टूडियोज़ वाले इन एक्ट्रेस को लाना चाहते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वार्स और अवेंजर्स डूम्स डे के लिए। ग्वेनिथ पेट्रो यहाँ पर अपने करैक्टर में रिटर्न करें, और मुझे तो वो वाला सीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो देखने को ही मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अवेंजर्स डूम्स डे या सीक्रेट वार्स में जो पेपर पोट्स हैं वो जो रॉबर्ट डोनी जूनियर का करैक्टर है डॉक्टर डूम, ये दोनों आमने सामने होंगे। थोड़ा एपिक टाइप सीन लगेगा यहाँ पर, तो लेट्स सी क्या होता है। अगली अपडेट पर है तो ये शैंची से निकल कर आ रही है, तो ये एक सैड न्यूज़ हो सकती है आप लोगों के लिए अगर आप लोग इसका सीक्वल एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है शैंची का जो सीक्वल है मार्वल स्टूडियोज़ ने जो है ना इसको काफ़ी डिले कर दिया, और इतना डिले किया है अवेंजर्स सीक्रेट वार्स के बाद तक। यस, इसका मतलब कि अवेंजर्स सीक्रेट वार्स तक तो हमें शैंगची का सीक्वल नहीं देखने को मिलेगा, और यही रिपोर्ट सारी उन्होंने इसलिए की है ताकि ये जो जितनी भी मल्टीवर्स सागा चल रहा है ना, स्टोरी लाइन्स चल रही हैं, ये पहले ख़त्म हो जाए उसके बाद हम जो है ना इसका सीक्वल लें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमें शैंगची का कैरेक्टर नहीं देखने को मिलेगा MCU में, ऐसे चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें अवेंजर्स सीक्रेट वार्स और डूम्सडे में देखने को मिल जाए। अगली अपडेट की तरफ है तो ये जो अपडेट है ना ये कोई सॉलिड न्यूज़ नहीं है, ऐसा रूमर आया है, हो सकता है कि ये गलत हो सकता है सही भी हो। ग्रैमी अवार्ड विनर सिंगल बिली आयरिश जो है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि मार्वल स्टूडियोज वाले जो है ना इनके साथ टॉक्स में इनको यहाँ पर MCU में लाने के लिए। अब ये कौन से करेक्टर के लिए, ये किस मूवी के लिए, ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया, मगर सिर्फ ऐसी रूमर्स आए हैं मार्वल स्टूडियोज इंटरेस्टेड है इनको मार्वल में लाने के लिए। अब मैंने अगेन बोला ये हो सकता है काफ़ी गलत रूमर भी हो, और अगर होगा वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है विजन सीरीज से। आप लोगों को पता होगा कि कैसे विजन सीरीज हमें देखने को मिलने जा रही है, तो इसके जो एक्टर हैं पॉल बैटरी, इन्होंने इस वाली बात को कंफर्म कर दिया है कि अगले साल इस वाली मूवी की जो इस वाली सीरीज की जो फिल्मिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। पर्सनली मैं इस वाली सीरीज के लिए एक्साइटेड हूँ, खास तौर पर हमें जो इसमें अल्ट्रॉन का करैक्टर देखने को मिलने जा रहा है ना, मैं उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली अपडेट पर हैं तो आप लोगों को मे बी मैंने ये बताया हो कि स्पाइडरमैन नोल की एक जो है ना मूवी आने जा रही है, तो इस मूवी में हमें निक केज देखने को मिलेंगे। तो इस मूवी की भी इस टाइम फिल्मिंग हो रही है, आप ये देख सकते हैं हमें पहला फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है इसके सेट से निक केज का, और भाई साहब क्या कॉमिक एक्यूरेट इन्होंने सूट बनाए हैं ना, मतलब सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉमिक एक्यूरेट सूट है ये। अगली अपडेट पर है तो ये निकल कर आ रही है जेम्स गन से। तो जेम्स गन ने इस वाली बात को कन्फर्म किया है कि जो हमने एडम वर्रॉक का करैक्टर देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, ये विल पोर्टर ने हमें पता है इसको प्ले किया था, मगर एक्टर एरन पियर्स ऑलमोस्ट कास्ट हो चुके थे इस वाले रोल के लिए, मगर इन द एंड जो है ना उन्होंने
चेंज कर रही है और कैसे हमें एडम वर्रॉक के करेक्टर में विल पोर्टल देखने को मिले। और बाय द वे अगर आप लोगों को नहीं पता, एरन पियर्स जो है ना हमें डीसी में देखने को मिलने जा रहे हैं, डीसीयू में, जहाँ पर वो जॉन स्टीवर्ट का करेक्टर प्ले करेंगे। अगली अपडेट पर आए तो ये भी जेम्स गन से जुड़ी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बिली आइरिश का बताया था कि कैसे रूमर आया है मार्वल स्टूडियोज वाले इंटरेस्टेड है उनको लाने के लिए, तो कैसे डीसी में रूमर्स चल रहे थे कि कैसे डुआ लिपा के डीसीयू जो है ना ये इन्होंने डील साइन की है 10 साल की डीसी स्टूडियोज के साथ। तो कैसे जेम्स गन ने जो है ना, आप यहाँ ट्वीट देख सकते हैं, उन्होंने इस वाली बात को बिल्कुल रद्द कर दिया है और बोला ये बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ है। तो ये शुक्र है जेम्स गन ने इस वाली बात को क्लेरिफाई कर ही दिया है। अगली अपडेट पर आ जाते हैं तो ये निकल कर आ रही है नोबडी 2 से। तो यस, आप लोगों ने बॉब और डंकर की नोबडी मूवी तो देखी होगी, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन थ्रिलर वाइज अच्छी देखने को मिली थी। तो उसका सीक्वल भी आने वाला है, तो उसका सीक्वल लेके ये वाली बात कन्फर्म हो चुकी है कि इसकी जो फिल्मिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है और इस टाइम कैसे इसके पोस्ट प्रोडक्शन में जो है ना वर्क जारी है और ये वाली मूवी हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। बाय द वे अगर आप लोगों को इस वाली चीज़ का नहीं पता, जो इस वाली मूवी को लिखा उन्होंने ही है जिन्होंने जॉन विक मूवी को लिखा था। तो यस, ये अगर आप लोगों ने मूवी देखी है आप लोगों ने भी थोड़ी सिमिलैरिटीज एक्शन वाइज देखी होंगी, मगर जो राइटर है वो दोनों मूवीज़ के सेम ही हैं। तो यस, ओवरऑल वीडियो में यही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।